नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये लेक्चर फास्ट इन्फो सर्विस सीरीज का एडिशन नंबर 10 है, जिसमें हम दोस्तों सरल भाषा में समझेंगे जो इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में फॉल देखा जा रहा है और ये डिजास्टर जो है 20 साल में पहली बार ऐसा होता देखा जा रहा है, उसका हमारे इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, हमें जो ये बैकलैश मिला है इस साल, इससे हम कैसे रिकवर करें, यानी दोस्तों मैं आपके साथ टोटल यहाँ पर 7 ऐसे बेहतरीन टिप्स शेयर करूँगा जिसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट जो है काफ़ी जल्दी इस क्राइसिस से बाहर आ सकती है। वैसे दोस्तों, गुड न्यूज़ के तौर पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इन पर काम भी कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इस तरीके की क्राइसिस पिछली साल आई थी, जब आप अगली साल इंटरव्यू में होंगे या मेंस के पेपर में होंगे, तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की थी इसे फास्टली रिकवर करने के लिए। तो आई होप आप इस लेक्चर को एंड तक देख के इस क्वेश्चन का जवाब जो है अभी अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इससे नुकसान क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हमारा टैक्स कलेक्शन गिरा, वैसे ही दोस्तों फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट जैसे ही बढ़ेगा, हमारा जो रुपी होगा वो कमज़ोर होना शुरू कर देगा। अब दोस्तों, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट और रुपी के बीच में क्या लिंकेजेस है, इसको अगर आपको दोस्तों समझना है तो हमने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पर एक लेक्चर बना रखा है, जिस वीडियो का इंटरफेस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बता रखा है कि रुपी किस वजह से डिवैल्यूट होती है, तो यहाँ पर आप दोस्तों इस लेक्चर को देख के समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो मूडी है वो हमारी रेटिंग जो है काफ़ी हद तक कम कर सकती है, जैसा कि ऑलरेडी उसने पहले भी इंडिकेशन दे दिया है। महंगाई दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ सकती है और जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों, लोग जो हैं डर के मारे गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे और दोस्तों गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस तरीके से इकोनॉमी के लिए डिजास्ट्रस होती है, हमने ऑलरेडी इस वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर नहीं है इकोनॉमिक फ्रंट पर, इसके काफ़ी बुरे नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बीमारी का इलाज करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो ये दोस्तों हमें आगे के 4-5 साल तक का जो हमारा ब्राइट फ्यूचर है उस तक को डैमेज कर सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये समझिए कि आखिर ये टैक्स कलेक्शन फॉल क्यों हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। एक तो दोस्तों हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आज के समय में काफ़ी कम हो गया है और इस पूरे साल जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है वो उस हिसाब से नहीं रहा जैसा एक्सपेक्टेशंस थी। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट कम हो गई तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन का फॉल होना निश्चित था। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई है और वो है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स कट करने का डिसीजन लिया। और यहाँ पर दोस्तों, ये जो कट है तकरीबन 1,45,000 करोड़ रुपया का है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये 1,45,000 करोड़ का जो कट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इस साल, जो इस साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 का, उस साल गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि हम तकरीबन 13.35 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो एक तरीके से कलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो आज के समय की सिचुएशन है, जो यानी ये जनवरी 2023 की डेट है, उस दिन मात्र 7.3 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों, इसी हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अब जो फर्दर टैक्स कलेक्शन होगा वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा कि हम ये 13.35 लाख करोड़ को टच कर पाए। ये तो हो गई एक अलग बात, लेकिन आप ठीक उससे पहले देखिए, एक और फाइनेंशियल ईयर है हमारा पिछला वाला 2018-2019। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वाले जो फाइनेंशियल ईयर का हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 11.5 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस 11.5 लाख करोड़ से भी कम होगा, यानी दोस्तों इसका मतलब कि इस साल हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में फॉल देखने को मिलेगा, जो कि 20 साल
बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो होता है एक तरीके से जो होना चाहिए था फॉल, वो हमें देखने को नहीं मिलता अगर यहाँ पर 1,45,000 करोड़ का हमने रिबेट ना दिया होता, तो ये काफ़ी हद तक रकम जो है अच्छी हो गई होती। लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने किया है तो उसके पास तो अब पैसे आने नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास से ये पैसे जा चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका फ्यूचर में पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पर अब कॉरपोरेट टैक्स कम हो गया है तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े और ये एक अट्रैक्टिंग पोल की तरह काम करे मोर इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब तक ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है और यहाँ पर दोस्तों हम इसके भरोसे अब नहीं बैठे रह सकते, और यहाँ पर दोस्तों अब हमें इन बेहतरीन तरीकों की ज़रूरत है जिससे हम अपना एक तरीके से इतना पैसा इकट्ठा कर पाएँ जिससे हम इकोनॉमी में ज़्यादा खर्च करके अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से बूस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों अपने उन 7 बेहतरीन तरीके में से हमारा जो पहला तरीका है वो है पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम। और दोस्तों इसको समझाने के लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें दोस्तों आप ये समझेंगे कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी कम पैसा होते हुए भी गवर्नमेंट मासिव इन्वेस्टमेंट तक कर सकती है इकोनॉमी में। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि 10,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का प्लान है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो इसको 10,000 से 20,000 करोड़ कर सकती है जिससे कि इकोनॉमी में 1,00,000 से 2,00,000 करोड़ तक का बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आपको हमारी ये वाली वीडियो देखनी होगी। अब दोस्तों हमारा दूसरा तरीका, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो दूसरा तरीका है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ठीक तरीके से काम करना। दोस्तों अपने इस लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक काफ़ी बड़ा फंड जो है क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी में, और यहाँ पर NHAI उस फंड का इस्तेमाल करके काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। इससे दोस्तों हमें यहाँ पर ना ही किसी तरीके से फंड के लिए कोई इंटरेस्ट देना होगा यानी ब्याज भी नहीं देना होगा, और यहाँ पर दोस्तों ब्याज ना देने के साथ साथ हम काफ़ी अच्छा इकोनॉमी में ओवरऑल एक जो फंड की मोबिलिटी होती है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ होगा कैसे इसके लिए भी दोस्तों आपको हमारी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। दोस्तों हमारा जो तीसरा तरीका है वो है दोस्तों एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट का इस्तेमाल करना। आपको दोस्तों पता ही है कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट का इस्तेमाल करके 9,400 प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से अपने कस्टडी में रख रखी है और उसको अब बेचने को तैयार है यहाँ पर गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से सेल करके ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इसको सेल करके गवर्नमेंट जो है अपना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पैसा कमा सकती है और वो इकोनॉमी में इन सारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। अगर दोस्तों आपको ये समझना है कि कैसे होगा तो दोस्तों इसके लिए भी आपको हमारी ये वाली इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी होगी। गवर्नमेंट दोस्तों अगर सक्सेसफुली एनिमी प्रॉपर्टी को बेच देती है तो उसको दोस्तों 1,00,000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, जो कि दोस्तों एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा होगा, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी आई है उससे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अब दोस्तों हमारा जो यहाँ पर चौथा तरीका है वो है ई बिक्रे पोर्टल का लॉन्च होना। और दोस्तों ये जो पोर्टल है काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बैंकों के पास 8,00,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से बेचने के लिए उनके पास है। यहाँ पर दोस्तों इतनी प्रॉपर्टी को बेच करके वो काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी में पैसा डाल सकते हैं और यहाँ पर उस पैसे को दोबारा लोन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी आनी है उसके मल्टी फोल्ड तो पैसा हमारा ई बिक्रे से ही आ जाना है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से गवर्नमेंट ने किया तो। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि इसमें सफलता कितनी मिल सकती है, तो मैं आपको बता दूँ कि बिना ई बिक्रे पोर्टल के लॉन्च हुए भी गवर्नमेंट ने IBC का इस्तेमाल करके यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का इस्तेमाल करके 4,50,000 करोड़ रुपए तक रिकवर कर लिया है। ये कैसे काम करेगा इसको दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा ई बिक्रे पोर्टल पर बना हुआ ये लेक्चर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाए पांचवे तरीके की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों गवर्नमेंट ने BSNL MTNL रिवाइवल प्लान जो है उसको प्रपोज किया था और यहाँ पर दोस्तों अकेली BSNL जो इंस्टीट्यूशन है उसी के पास 38,000 करोड़ की
पूरी एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको दोस्तों गवर्नमेंट मोनेटाइज कर सकती है, और ये सारा कुछ मैंने अपने इस वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर में बता रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर से पैसा इकट्ठा कर सकती है, और वो पैसा का ना किसी को इंटरेस्ट देना होगा और ना ही एक तरीके से उसका भरपाया किसी और तरीके से करना होगा। तो काफ़ी अच्छा ये ओवरऑल स्कीम है पैसा कलेक्ट करने का। अब दोस्तों हमारा जो सिक्स्थ तरीका है वो क्या है, तो देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड बैंक बना दिया है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन प्रोवाइड कराने के लिए, और ये जो दोस्तों ज़मीन है यूजलेस पड़ी थी गवर्नमेंट के पास, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इससे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट कमा सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भले एक तरीके से इस साल ऑटोमोबाइल क्राइसिस और ILNFS क्राइसिस की वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी आ गई हो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ओवरऑल गिर चुकी हो, लेकिन हम उसके मल्टी फोल्ड टाइम तक पैसा जो है काफ़ी हद तक अभी भी आज भी एक तरीके से रिकवर कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों इस तरीके से कि उसका ना ही किसी को एक रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ना ही कुछ, उल्टा इसे ओवरऑल इकोनॉमी में मोबिलिटी होगी फंड की, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने सेवेंथ और लास्ट अप्रोच की, और दोस्तों ये है हमारा फास्ट टैग जो कि काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब तक जो हमने 6 ऑलरेडी मेथड की बात की उस पर गवर्नमेंट को अभी काम करना है, लेकिन दोस्तों फास्टैग पर गवर्नमेंट ने काम कर लिया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा अनुमान है कि इससे हमारा 87,000 करोड़ रुपीज़ का जो फ्यूल वेस्ट होना है वो बचेगा। इसके अलावा दोस्तों इसके और क्या दूसरे बेनिफिट है इसको भी हम ऑलरेडी वीडियो बनाकर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बताना चाहता हूँ मैं जो कि काफ़ी अच्छा है और उसको मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। दोस्तों मेरे को यहाँ पर पता चला है कुछ अपने लोगों से जो एक्चुअली में ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि 7 दिनों में जो एक तरीके से ट्रैवलिंग का टाइम आता है अब दोस्तों वो एक्चुअली 5.5 दिन का हो गया है। तो यहाँ पर मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर मान लूँ तो 1 साल में 350 दिन ले लूँ, तो यहाँ पर पहले दोस्तों 7 दिन में एक ट्रक ड्राइवर जो है 50 चक्कर काट सकता था एक जगह का, और यहाँ पर दोस्तों अब ये 5 दिन हो गया है फास्टैग की वजह से, तो इसके चक्कर में दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि वो 70 चक्कर काट सकता है, यानी दोस्तों यहाँ पर ट्रक ड्राइवर के पास अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की, और इससे दोस्तों ओवरऑल जो एक तरीके से चीज़ों का दाम में जो गिरावट आनी चाहिए वो भी काफ़ी हद तक आ सकती है, यानी बोटल नेक इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा ये वाला अप्रोच। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एक साइकिल जो होती है इकोनॉमी की उसमें दोस्तों टोल कलेक्शन वो जनरेट करेगा एक बार जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर 20 जो एक्स्ट्रा एक तरीके से वो सर्कल लेगा इकोनॉमी का, क्योंकि अब 50 से 70 हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों उसको 20 टाइम्स मोर जो है एक तरीके से टोल पे करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इससे रिवेन्यू में तकरीबन 40% की एक तरीके से बढ़ोतरी तक आ सकती है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो फॉल हुआ था वो दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स में कट की कमी की वजह से हुआ था, वो भी आगे फ्यूचर में एक अच्छा अट्रैक्शन पोल का काम कर सकता है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारा ये फास्टैग का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है और इतने सारे अप्रोचेस हैं, गवर्नमेंट उसको भी इम्प्लीमेंट करके जो हमारा अभी का क्राइसिस दिख रहा है उसको इजीली रिकवर कर सकती है। तो ये ओवरऑल टॉपिक था इस चीज़ पर जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर में हमने सिर्फ प्रॉब्लम बताने की बजाय आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है, और आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो इस टॉपिक में वीडियो मेंशन किए हैं उसको आप देख लें, अगर आप उसको देखते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो उसमें प्रीलिम्स या मेंस का अगर इन टॉपिक पर बनकर क्वेश्चन आ गया और आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।